Assalamualaikum. In this video, you are going to learn how to create copy clipboard functionality in React.js. जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये आप कॉपी क्लिपबोर्ड जो फंक्शनैलिटी है वो बना सकते हैं React.js में. अक्सर आपने वेबसाइट देखी होंगी, कोडिंग वेबसाइट में तो अक्सर होता है सोर्स कोड जो जहाँ पे वो प्रोवाइड किया जाता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कॉपी. हम कॉपी करते हैं, वो सारा कोड जो है वो कॉपी हो जाता है. तो उसे हम किस तरह से करते हैं React.js की मदद से, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा. बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसलिए इसमें मैं कोई दो सर्वर जो है वो नहीं बनाऊंगा. एक ही सर्वर में इस फाइल को डिलीट करके इसी को मैं दोबारा यानी यूज़ कर लूँगा. और इसका सोर्स कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. अच्छा, अब इसके लिए सिंपली बस इसका जो डेमो इतना ही है कि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऊपर भी आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये नीचे इसके जो टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर भी टेक्स्ट नज़र आ रहा है. इसको आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद ये जो टेक्स्ट एरिया ये डिसअपीयर हो जाएगा. आप यहाँ पे इस बॉक्स में इसे पेस्ट कर सकते हो, आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हो. इसमें मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे जो है पेस्ट करना, समटाइम ऐसा होता है कि टैब जो है ओपन नहीं होता पेस्ट के लिए, या टेस्ट के लिए भी ये ठीक रहता है, या हमने वहीं से कॉपी करके वहीं भी पेस्ट करना होता है उसके लिए भी ठीक होता है, या मर्जी आप पेस्ट करना चाहिए कर सकते हैं. ये जस्ट फॉर डेमो है. उसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं. प्रोजेक्ट भी हमारा स्मॉल स्क्रीन पर आ गया, और इसको भी मैं स्मॉल स्क्रीन पर कर लेता हूँ. और जो इसका ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है मैं सारा डिलीट कर देता हूँ इस कंपोनेंट का. इसको सेव किया, अभी सारा डिलीट हो गया. और ये थोड़ा सा मैं एरर देगा, तो एरर ये इस वजह से देगा कि हमने ये मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे. अब ये जो हमारा है ना कॉपी क्लिपबोर्ड, ये हमारा कंपोनेंट है, ये हमने बनाया कॉपी टेक्स्ट वाली फाइल के अंदर. अब जो कॉपी टेक्स्ट वाली फाइल है ये लिंक है इसके साथ app.jsx के साथ. app.jsx जो है ये आगे लिंक है index.js के साथ, जो मैंने आपको हर प्रोजेक्ट में बताता रहा हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है. तो हमने जो सिंपली ये जो कॉपी टेक्स्ट वाली फाइल है वहाँ से हम कॉपी क्लिपबोर्ड जो कंपोनेंट के लेंगे, और उसको हम निकाल कर दे कंटेनर के अंदर. अब इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, और इसको मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे अपने फाइल में आया. इसमें सबसे पहले लिखूँगा IMR और टैप प्रेस करूँगा, रिएक्टिव हमारे पास इम्पोर्ट होगी. उसके बाद CC लिख के टैप प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्लास कंपोनेंट जो है वो बन जाएगा. इसमें कंट्रोल वी कर देंगे, ये कंपोनेंट बन गया. इसको सेव करेंगे, और इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख के इसको सेव किया तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया. अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये कंपोनेंट वर्क कर रहा है. तो अब इसके अंदर हम अपना कंपोनेंट लिखते हैं. तो यहाँ पे रिटर्न के अंदर चाहे तो इसी डिव के अंदर लिख लो, लेकिन मेरा मेथड ये होता है कि मैं डिव के आगे रिटर्न में छोटे ब्रैकेट्स लगाता हूँ, और उसके बाद मैं इसके अंदर एक फ्रेगमेंट्स लगाता हूँ, मतलब खाली टैग लगाता हूँ, और इसके अंदर मैं अपना जो कोड है वो लिखता हूँ. तो इसमें लूँगा मैं सेक्शन का कोड, सेक्शन का टैग, और सेक्शन के टैग को मैं लगाऊँगा क्लास. क्लास नेम इसको मैं दूँगा कॉपी टेक्स्ट. इसकी जो CSS है वो ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है, वो नॉर्मल सी है. मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले. ये जस्ट सिंपल सी है, बाकी ऊपर वाली चाहे छोड़ दें. वैसे तो ये आपकी हर फाइल में होनी चाहिए. ये कॉपी टेक्स्ट कितनी है, वेट उसको हमने दे दी 70%, मार्जिन उसको दे दिया 8, ताकि उसका जो कंटेंट है वो हमारे पास सेंटर में आ जाए. टेक्स्ट एरिया बटन उसका डिस्प्ले हमने ब्लॉक कर दिया ताकि वो अलग अलग लाइन में आ जाए. वेट उसके हमने कर दी 400 पिक्सल. टेक्स्ट एरिया की हमने हाइट दे दी 200 पिक्सल. बटन को हमने पैडिंग दे दी, और लास्ट में जो हमारे पास इनपुट का टैग आ रहा है उसे जस्ट हमने जो पैडिंग है वो दे दी 10 पिक्सल. अभी हमारे पास आएगा ये जस्ट इसके CSS, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नहीं तो साथ साथ भी आपको जब जैसे जैसे साथ अप्लाई होती जाएगी आपको पता चलता जाएगा. तो सेक्शन के ऊपर हमने क्लास लगा दी कॉपी टेक्स्ट, इसको वेट 70%, मार्जिन इसका 8. तो इसके अंदर हम फिर बाद में कोड का टैग लेंगे. आप पैराग्राफ का टैग भी ले सकते हो, कोई भी टैग ले सकते हो, लेकिन मैं इसमें लूँगा कोड का टैग, और इसके अंदर मैं लिखूँगा कॉपी मी. आप कोई भी इसमें टैग देख सकते हो, और इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे क्लास. क्लास नेम इसको मैं लगाऊंगा टेक्स्ट कंटेनर. स्मॉल लिखने सारे कंटेनर. और इसके बाद हम इसके नीचे आएंगे और एक लेंगे टेक्स्ट एरिया का टैग, टेक्स्ट एरिया, और इसको किया क्लोज. टेक्स्ट एरिया को हम लगाएंगे आईडी, तो आईडी इसको हम मैं लगाऊंगा, इसको हम आईडी लगाएंगे होल्ड टेक्स्ट. और ये भी क्लास नेम के बजाय मैं इस कोड वाले को क्लास नेम के बजाय मैं इसको लगा दूंगा आईडी,
इसके में हम आईडी के जरिए इसके ऊपर फंक्शनैलिटीज अप्लाई करवाएंगे। क्लास के जरिए भी करवा सकते हैं, लेकिन आईडी के लिए आईडी वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसको हम जो नीचे वाला, इसको हम वैल्यू दे देंगे। अब इसकी वैल्यू हम दे देंगे एम्प्टी। इसमें अगर कोई भी वैल्यू दे के इसको सेव करूंगा तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास डिस्प्ले होगी, लेकिन अभी इसकी वैल्यू दे दे दूंगा एम्प्टी। अभी हमारे पास ये जो टेक्स्ट एरिया का टैग है वो खाली हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा एक बटन का टैग, इसके नीचे यहाँ पर लूँगा बटन का टैग, और बटन के टैग में लिखूँगा कॉपी, और ये बटन का टैग हमारे पास लग जाएगा। और इसके ऊपर हम एक ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन लगाएंगे। ऑन क्लिक के ऊपर हम फंक्शन लगाएंगे दिस डॉट टेक्स्ट कॉपी, और इसको हम यहाँ पे जो बटन लिखेंगे कॉपी टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट थोड़ा सा सही वर्ड में आ गया। अभी जो कॉपी टेक्स्ट फंक्शन है इसको हम ऊपर डिफाइन करेंगे, इसके ऊपर हम कॉल करेंगे और इसके अंदर अपना जो है कोड भी लिखेंगे। अब उसके बाद हमने आ जाना अपने ये कंपोनेंट्स में रेंडर के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट डेड माउंट। तो कंपोनेंट डेड माउंट क्या करता है कि अगर हमने एक जो कोड है, HTML का कोड है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसके अंदर कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमने रिएक्ट का कोड अप्लाई करवाना है, उसके लिए आप यूज़ करते हो कंपोनेंट डेड माउंट। तो कंपोनेंट डेड माउंट यूज़ किया, और इसमें यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा लेट, और इसके ऊपर लिखूंगा टेक्स्ट कंटेनर। इसको हम नाम देंगे टेक्स्ट कंटेनर, और इसको हम कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर हम आईडी पास करेंगे ये टेक्स्ट कंटेनर वाली, ये वाली। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे लगा देंगे। और इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसका हम टेक्स्ट लेंगे। इसके बाहर आऊँगा यहाँ पे लिखूँगा इनर टेक्स्ट, या इनर इसका टेक्स्ट या HTML भी कर सकते हो, लेकिन इनर टेक्स्ट ज़्यादा बेस्ट रहता है। इनर टेक्स्ट अब ये क्या करेगा कि ये जो टेक्स्ट कंटेनर वेरिएबल है, इसके अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉपी में, ये इसके अंदर स्टोर हो गया। अब जिस इसके अंदर जितना भी मैं टेक्स्ट लिखा जाऊँगा वो टेक्स्ट कंटेनर वाला जो लेट है, जो वेरिएबल है, इसके अंदर स्टोर होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और मैं बल्कि इसके ऊपर मैं इसका जो टेक्स्ट है इसका डिफाइन कर देंगे टेक्स्ट एरिया में। मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और जो टेक्स्ट एरिया है उसकी हमारे पास आईडी है होल्ड टेक्स्ट। होल्ड टेक्स्ट इसको कॉपी किया, यहाँ पर लगाया होल्ड टेक्स्ट, और इसके आगे मैं लिखूँगा डॉट वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल हो जाए ये जो ऊपर हमारे पास टेक्स्ट कंटेनर इसके। अब ये क्या होगा कि इसकी जितनी भी वैल्यू है वो हमारी बन जाएगी टेक्स्ट एरिया की वैल्यू। जो भी टेक्स्ट कंटेनर के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा या HTML का कोड लिखा होगा, हमने इनर टेक्स्ट किया तो सिर्फ टेक्स्ट लेगा, वो हमारी वैल्यू बन जाएगी टेक्स्ट एरिया की, इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए। जिस तरह से मैं ये कॉपी में लिखा हुआ है, तो कॉपी में मैं इसका आगे लिख देता हूँ अगेन, सेव किया, तो ये दोनों के ऊपर आ गए। ऊपर की ये, ऊपर का ये टेक्स्ट है और नीचे वाले की ये बन गई वैल्यू। इस तरह से हमने कंपोनेंट डेड माउंट को यूज़ करते हुए जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं HTML के टैग्स, इसके ऊपर हमने रिएक्ट का कोड अप्लाई करवाया जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये नॉर्मल HTML का ही है, सॉरी JavaScript का ही है, लेकिन इस JavaScript का जो कोड है उसे लिखने के लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छे से लिखना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जो कॉपी क्लिप बोर्ड के ऊपर एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है, तो आप ये 60 डे जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम कंपोनेंट डेड मोड यूज़ करेंगे और सिर्फ 2 लाइनों के अंदर हमने इसको स्टोर करवा लिया। उसके बाद हम ये जो फंक्शन है हमने नीचे ये डिफाइन किया कॉपी टेक्स्ट, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको लिखूँगा। अब ये कंपोनेंट डेड मोड के नीचे है, तो यहाँ पर इसको मैं लिखूँगा कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, और इसके अंदर सबसे पहले एक अलर्ट लगा के इसको चेक कर लेंगे अलर्ट, और यहाँ पर सेव किया और ये अलर्ट आ गया, मतलब ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसके ऊपर मैं एक वेरिएबल लूँगा और इसको मैं नाम दूँगा टेक्स्ट, और इसको मैं कॉल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर भी आईडी में स्टोर करवाऊँगा होल्ड टेक्स्ट वाली, होल्ड टेक्स्ट ये ऊपर हमने दी हुई है ना, ये वाली जो हमारी है टेक्स्ट एरिया की वो वाली। तो इस जो टेक्स्ट वाला हमारे पास वेरिएबल है लेट है, इसके अंदर भी हम इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया इस टेक्स्ट एरिया को। तो यहाँ मैं करूँगा कि जो टेक्स्ट एरिया है उसका जो स्टाइल है डॉट डिस्प्ले वो कर दो ब्लॉक, अगर नन है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और इसका जो टेक्स्ट है इसके अंदर वो हो जाए सेलेक्ट, सेलेक्ट। अब इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा इस कमांड के ज़रिए। अब ये हमारे पास
हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक लगाएंगे ट्राई, जिससे हम कंडीशन लगाते हैं ना, ट्राई कैच, इसे हम यूज़ करते हैं ट्राई। तो ट्राई में मैं इसके ऊपर एक अप्लाई करवा दूंगा कि एक वेरिएबल लूंगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लेट, लेट स्टेटस, आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेट स्टेटस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट एग्जीक्यूट कमांड, और एग्जीक्यूट कमांड में दूंगा इसको कॉपी। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ कॉपी कमांड, आप इसमें आल्ट कमांड, पेस्ट कमांड, सारी कमांड इस फंक्शन के जरिए यूज़ कर सकते हो। अगर किसी शिफ्ट कमांड आप यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट ए बी, जो भी आप कमांड इसमें यूज़ करना चाहो वो आप सारी यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली जब के गूगल पे सर्च करोगे ना कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ऑल कमांड्स लिस्ट, तो जितनी भी कमांड्स होंगी वो सारे यहाँ आप लिस्ट आउट हो जाएंगी। आप कोई भी कमांड इसके अंदर पास करके उस कमांड के ऊपर जो भी आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। तो और ये हमारे पास कॉपी हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ अगर स्टेटस इज नाट, अगर हमारे पास टेक्स्ट जो है कॉपी नहीं होता तो हमारे पास अलर्ट शो करवा दो कि अलर्ट, और इसके अंदर हम शो करवा दो कि कैन नाट कॉपी, कैन नाट कॉपी। और अगर ऐसा इसके उल्ट होता है, अगर कॉपी हो जाता है तो हमारे पास अलर्ट एक शो करवा दो, उसके अंदर हमें लिख दो, लिखा आने दो कॉपी। और उसके बाद यहाँ पे ट्राई ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे हम ट्राई यूज़ करते हैं, ट्राई के साथ हम यूज़ करते हैं कैच, जिस तरह से इफ़ के साथ हम एल्स यूज़ करते हैं ना, इस तरह से हम ट्राई के साथ कैच यूज़ करते हैं। अगर इफ़ एल्स यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ हमने यूज़ कर दिया है, तो एल्स हम ना भी यूज़ करें तो हमारा कोड काम कर रहा होता है, लेकिन जब हम ट्राई यूज़ करते हो तो ट्राई के साथ कैच को लगाना लाजमी होता है। तो मैं इसमें यहाँ पर फिर कैच लिखूँगा, और कैच का भी सेम हम इस तरह से कोड लिखेंगे, और इसके अंदर मैं इसको एम्प्टी रख रहा हूँ, इसके अंदर मैं कोई कोड नहीं दे रहा। इसको रीलोड करते हैं, ये हमारे पास ठीक हो गया। इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी हमारे पास हो गया, और इसको यहाँ पेस्ट करके देखते हैं, पेस्ट भी हो गया, तो ये हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छा, हमारा ये भी गायब हो गया, तो इसको एक दफ़ा ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद हम जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, पर इसको ओपन कर लूँ, हमारा था लोकल होस्ट 3000, ब्राउज़र के ऊपर इधर क्लिक हो गया था क्रॉस पे, वो क्लोज हो गया था। अच्छा, ये जब तक ओपन होता मैं तब तक आपको समझाता हूँ। कैच के बाद हम ये जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट एरिया वाला पोर्शन है जिसके अंदर ये टेक्स्ट है, हम कहते हैं जब कॉपी पे क्लिक को तो ये साथ ही क्लोज हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट डॉट स्टाइल, क्योंकि टेक्स्ट वाली वेरिएबल के अंदर इसको हमने कंटेन किया हुआ है, डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले इसका कर दो नन। तो जैसे ये सारा कोड रन होगा तो साथ ही ये इसे कर दो, ये भी इसका डिस्प्ले भी नन हो जाएगा। और बटन के बाद हम यहाँ पे एक लगा देते हैं टैग H4 का, और इसमें मैं लिख देता हूँ पेस्ट हेयर, पेस्ट हेयर, और इसके नीचे हम एक इनपुट का टैग ले लेते हैं एम्प्टी इनपुट, और उसकी हम वैल्यू, उसको हम उसकी हम जो टाइप है वो हम देते हैं टेक्स्ट, टाइप, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और ये हमारे पास इन लाइन एलिमेंट है, इसको हम इस तरह से क्लोज करेंगे। सेव किया और ये आ गया। अब इसमें कोई भी टेक्स्ट कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करके चेक कर लूँगा, चेक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर अपनी मर्जी से टेक्स्ट देता हूँ, मैं इसमें यहाँ पे बाकी इसका जो टेक्स्ट है वो उसकी वैल्यू के अंदर कंटेन है। तो मैं इस यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉपी मी अगेन, इसके अंदर मैं टेक्स्ट और लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कॉपी हेयर, इसको सेव किया और यहाँ पे आया कॉपी हेयर आ गया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर लगाया, तो ये आ गया मेरे पास कॉपी हेयर, ये हो गया। अब आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हमारा जो ऑल कोड है वो वर्क कर रहा है। जो भी इसकी वैल्यू बन रही है वो वैल्यू हम बना रहे हैं, जो ऊपर हम टेक्स्ट दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो इसकी वैल्यू होगी। आप वैसे इसको डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये दोनों लाइनें ख़त्म करनी होगी। उम्र आपका इसी तरह से होता है कि ऊपर आपको कोड नज़र आ रहा होता है, नीचे आपको उसका कॉपी वाला बटन लिखा हुआ आ रहा होता है। तो आप अगर टेक्स्ट के एरिया को इनविजिबल कर दें, थोड़ा सा छोटा कर दें, या इस तरह से भी रखना चाहें आप कर सकते हैं। आप इसकी कस्टमाइजेशन आप आसानी के साथ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्रोजेक्ट की भी समझ आई होगी। अगर आप एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको एक दफ़ा नीचे आराम से स्क्रॉल कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देखें हमारा कितना ये बना, 46 लाइन का बना है। 46 में से भी आप 5-10 लाइनें निकाल दें तो ऑलमोस्ट 30 लाइन्स का आपका कोड है। 30 लाइन में आपके पास एक कॉपी क्लिपबोर्ड जो है वो रेडी हो गया। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा कोड था, इससे ज़्यादा था। तो इसके हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो जो हैं वो मिस ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।